एवरीवन, नमस्ते एंड राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपका चैनल भारती झा ब्लॉग्स में। तो गाइज, आज हम बनाएंगे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज चलिए, आज हम लोग बनाएंगे चावल के आटा से दो प्रकार की रोटी, एक मीठी और एक नॉर्मल। तो जिसके लिए हमने आटा लिए हैं चावल के और पानी को गर्म किए हैं, और उसके बाद हमने क्या किए हैं, यहाँ गर्म पानी से हमने ये चावल के आटा को थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसे सान गूँथ लेनी है, यानी आटा को सान लेनी, गूँथ लेनी, जो आप लोग कहते हो वो कर लेनी है। और इसके बाद हमें पानी गर्म है तो थोड़ा नॉर्मल होने दे, तो इसके बाद जो इसे थोड़ी थोड़ी पानी रख के अच्छी से गूँथनी है, जैसे हम गेहूं का आटा गूँथते हैं उस प्रकार से इसे हमें गूँथ लेनी है। तो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक डन जरूर कर दे, लाइक डन नहीं, ज्वाइन कर ले, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रकार से हमें जो है, देखिए इस तरह से हमने सान ली है आटा को अच्छे से, ताकि ये रोटी जो है ना अच्छे से जो है अच्छे से जो फूली फूली बने। तो इसलिए हमें तो क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से बेल लेनी है इस प्रकार से, देख लीजिए। तो ये देखिए हमारा रोटी बेल चुका है, अब इसे हमें थोड़ा अच्छे से उठाना है क्योंकि टूट ना जाए। तो ये देखिए हमारा रोटी एकदम, ये देखिए किस प्रकार से फूली फूली रोटी हमारी चावल की बनी है, देखो। तो ये देखिए हमारा चावल का रोटी बन गया। अब इससे हम जो है मीठी रोटी बनाएंगे। ये देखिए हमने ये नॉर्मल रोटी बना लिए, इसमें घी लगा के खा, नमक लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मीठी रोटी बनाने के लिए इसका मीठी पूरी बनाएंगे, तो इसमें हम चीनी भर लेंगे। तो चीनी का हम चावल और चीनी का पराठा बनाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें बेल लेनी है, और इसके बाद हमें तावा पे रख के और इसे घी रख के हमें अच्छे से सेक लेनी है दोनों तरफ से अच्छे से। ये देखिए हमारा जो है ये मीठी रोटी, चावल की मीठी रोटी भी तैयार हो गई। तो ये देखिए कैसा लगा, आप सभी को बताइए, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर एक बार बना के देखिए। बहुत ईजी है, एकदम घरेलू होममेड है, आपको जो है कोई हार्म नहीं करेंगे, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी एंड हेल्दी है। तो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज आप लोग जो है ना सपोर्ट करें, जिन्होंने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, उनको थैंक यू सो मच, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो आप ना सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए नॉर्मल रोटी में भी हमें क्या करना है, घी लगा के इस तरह से आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो नाश्ता में ये ज़रूर एक बार बना कर ट्राई करें, अच्छा लगेगा। और तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के